नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कार्डिगन के लिए वी शेप का गला कैसे घटाते हैं बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा पल्ला है और इसमें मैं बैक पोर्शन से 1 इंच पहले हूँ और अब गला घटाने से पहले यहाँ पे हमें बटन होल बनाना होगा। बटन होल बनाना बहुत ही आसान है। मेरा बटन पट्टी 17 फंदे का है तो मैंने 7 फंदा बुन लिया है और अब 3 लगातार फंदे मुझे घटाने होंगे। एक घटाया, दो घटाया और 3 फंदा घटा लिया और उसके बाद अपना जो बॉर्डर का डिज़ाइन है उसे कंटिन्यू रखेंगे। अब ये हमारा बटन होल वाला पोर्शन है तो हमने यहाँ पे 3 फंदे घटाए थे लेकिन अब हम यहाँ पे सिर्फ 2 फंदे बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उंगली ऊन के नीचे लगाएंगे और घुमा देंगे और इसको सिलाई पे चढ़ाएंगे। एक हो गया, फिर उंगली ऊन के नीचे लगाएंगे, उंगली घुमाएंगे और सिलाई पे एक फंदा चढ़ा लेंगे। 2 फंदे हो गए, हमने 2 फंदा यहाँ पे बना लिया, 3 फंदा घटाया और 2 फंदा बढ़ा बना लिया और उसके बाद जो हमको डिज़ाइन बनाना है, बॉर्डर बनाना है, उसे कंटिन्यू रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2 फंदे बढ़ाए थे तो अब क्या करेंगे, 2 फंदे जब हम उल्टा बुन रहे हैं तो बीच में स्पेस हो जा रहा है तो इस फंदे को फिर से वापस लपेटेंगे और एक फंदा बना लेंगे। अब वापस ये 3 फंदा हो गया, यानी बॉर्डर पे हमारे जितने फंदे थे उतने वापस कंप्लीट हो गए। और ये हमारा बटन होल बनके तैयार हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अब हम गला घटाने के पास पहुँचे हैं। गला घटाने से जस्ट पहले हमें बटन होल बना लेना चाहिए तो अब हम गला घटाते हैं। तो गला घटाने के लिए हमने 2 फंदा एक साथ लिया और सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर लिया। यहाँ पे एक फंदा घट गया और उसके बाद अपना जो बॉर्डर का पैटर्न है उसे बनाना शुरू करेंगे। पीछे की तरफ से हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा पैटर्न है उसी को कायम रखना है। न कोई फंदा बढ़ाना है न घटाना है, सिंपली जो हम बुन रहे हैं वैसे ही बुनेंगे। देखिए फ्रेंड, पिछली लाइन में हमने यहाँ पे एक फंदा घटाया था बॉर्डर के जस्ट पहले और अब हम इस लाइन में भी एक फंदा घटाएंगे, यानी कि हर सीधी लाइन में हमें एक फंदा घटाना होगा, लगातार 5 फंदे। पिछले सीधे लाइन में हमने एक फंदा घटाया, फिर इस लाइन में घटाएंगे, हर 5 लगातार सीधे लाइन में हम एक एक फंदा घटाएंगे ताकि टर्न क्लीन आए और उसके बाद अपना डिज़ाइन, बॉर्डर का जो डिज़ाइन है उसे कायम रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा तीसरा सीधा लाइन है और अब हम फिर पहले दूसरे वाले फंदे में फिर पहले वाले फंदे में एक साथ सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ तीसरा फंदा घट गया। देखिए फ्रेंड्स,
ये मैंने चार लगातार सीधे लाइन में चार फंदे घटा दिए हैं और अब मुझे यहाँ पे आस्तीन भी घटाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि पांच फंदे एक साथ घटाऊँगी। दो फंदे लिया, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा लिया, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा बुना, आगे वाला पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा लिया, दो हो गया, तीन, चार और पाँच। उसके बाद अपना जो पैटर्न है उसे हम कायम रखेंगे। और अब मैं ये पांचवा फंदा भी घटाने जा रही हूँ। तो पांच लगातार सीधे लाइन में पांच फंदा घट गया और अब एक लाइन हमें छोड़ के घटाना होगा, यानी ये सीधा लाइन हमने बुना, फिर वापस आएंगे उल्टा वाला, फिर अगले सीधे लाइन में हमें फंदे नहीं घटाने हैं, फिर वापस उल्टा वाला आएंगे, फिर उसके बाद जब तीसरा सीधा लाइन आएगा तब हम एक फंदा यहाँ पे बॉर्डर के जस्ट पहले जहाँ हम घटा रहे हैं उसी पर एक फंदा हम घटाएंगे। यानी पांच लगातार सीधे फंदे हमें सीधी लाइन में हमें फंदे घटाने हैं, उसके बाद एक सीधा लाइन छोड़ के तीसरे सीधे लाइन में हमें फंदे घटाने होंगे। और इस दौरान आप आस्तीन पर भी हम फंदे घटाएंगे, पहले पांच फंदे घटाएंगे, फिर तीन, फिर दो, फिर एक। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हर सीधी लाइन में पांच फंदे लगातार घटाए हैं, पांच सीधी लाइन में पांच फंदे लगातार घटाए हैं, उसके बाद एक सीधी लाइन छोड़ के यहाँ फंदा घटाया है और फिर अगला सीधी लाइन छोड़ के अब इस लाइन में मुझे दो का एक करना है, एक सीधा फंदा यहाँ घटा देना है। यहाँ पे मैंने एक सीधा फंदा घटा दिया। इससे देखिए, इससे टर्न एकदम क्लीन आता है। देखिए यहाँ बटन लगा रहेगा और ऐसे टर्न एकदम ऐसे क्लीन आता है। और इस दौरान मैंने 11 फंदे आस्तीन पे घटा लिया है, पाँच, तीन, दो, एक करके। और अब हमें हर तीसरी सीधी लाइन में फंदे घटाने होंगे जब तक कि हमें कंधे पर जितने फंदे चाहिए उतने ना मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, कार्डिगन बनके तैयार है। इस समय इस समय अपर शोल्डर पे 31 फंदे हैं और लेकिन और आर्म होल 9 इंच का है, 9 इंच का ये आर्म होल है। और अब हमें इन दोनों पल्लों को आपस में जोड़ना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसको पलट देंगे, दोनों का सामने वाला सिरा जो है वो अब अंदर आ गया है और दोनों का उल्टा सिरा ऊपर है। अब इसको जोड़ना है हमें। तो जोड़ने की विधि वही है, दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदे लेंगे और एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदे लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा लेंगे। इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे जोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों पल्ले आपस में जुड़ चुके हैं और ये बटन पट्टी है जो रह गई है। और अब इसे पीछे वाले पार्ट में बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब और यहाँ देखिए, मैंने चार लाइन पहले ही इसको घटा लिया है, पीछे वाले पल्ले को का ये गला जो है वो चार लाइन पहले ही घटा लिया है। और अब यहाँ पे
बटन पट्टी बनाई जाएगी, तो वो अब अगले भाग में बनाएंगे।